हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं नगीना सेट्टी भैया की न्यू वीडियो, डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम नगीना सेट्टी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इंस्टाग्राम का डार्क साइड नहीं, अब उसमें लग रहा है मुझे वाइट स्पॉट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह डार्क हो गई है। खाली ये मेरे टॉप की तरह वाइट वाइट स्पॉट थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट एंड लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम के बारे में। डार्क साइड से मेरा मतलब है, मैं ऐसा इमरान हाशमी तुम्हें दिखाने लगा हूँ, एक नहीं दो है, दो इमरान हाशमी ऐसे दिखाने लगा। बल्क क्वांटिटी में चुमियां करते हैं, होलसेल रेट पर चुमियां करते हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ, मतलब अपनी अपनी पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि हर दूसरी रील चुम्मी पर शुरू होती है और चुम्मी पर ही खत्म होती है। भाई कौन है? इतनी किसियां एक दूसरे को देते हैं, इतनी ज्यादा किसियां देते हैं कि हमारे दिल पे उई होती है। बस शॉर्ट से वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते स्टार्ट। इंट्रो, बहुत दिनों बाद इंट्रो। अतू जूती कथे मेरी पैंदी वाह, मैं इसीलिए बुला रही थी। तीन पति पत्नी की तीन चार रील्स देख लेना, उसका वैसे ही मूड बन जाएगा। इनका नाम है अजय और अस्मिता, ये दोनों पति पत्नी हैं, बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था इनके ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन तुम में से कुछ लोग जो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं ना, बहुत प्यारे लोग जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, इतने मैसेजेस करते हैं, मतलब बातचीत करने के लिए मैसेजेस नहीं करते, कोई कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैसेजेस नहीं करते, वो ये रील्स भेजते हैं मेरे को। तो काफी लोगों ने ये रील्स भेजी मेरे को कि यार इनकी चुमियां बढ़ती जा रही है, तो इनके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो जैसे मैंने स्क्रॉल करता गया, इनकी हर वीडियो में मेरे को चुम्मी दिखती गई, इतनी लिपी किची करते हैं ना, इतनी ज्यादा। और अकेले ये नहीं है, एक और कपल है जिनका नाम घुमरा घुमरा के हमरा, सॉरी मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, ये लड़की हॉट बड़ी है और ये बहुत ज्यादा चुमियां करती है। हाँ, इस लड़की के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज डेप्थ में जाएंगे। काबू नहीं हो रहा ना, तसान लल्ला कैसे दुन्नी तक छाती खोल के दिखा रहा है, नहीं देखनी यार तेरी पेडिग्री वाली निपले, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे किसी फॉलोअर को, कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी छाती देखने में, जिस वजह से उन्होंने तेरे को देखना वो तेरे साथ बैठी है, फोकस कर अपनी छाती पे नहीं, साला आदमियों का मलिका शरावत। नेक्स्ट जो मैं तुम्हें वीडियो दिखा देता हूँ ना, जो तुम लोग देख रहे हो, अगर उसका लॉजिक मेरे को समझा दो तो मैं तुम्हें अपनी मर्चेंडाइज फ्री दे दूंगा, बता रहा हूँ। जो भी मेरे को इस वीडियो का लॉजिक समझाएगा ना, उसको मैं फ्री दे दूंगा। समझ नहीं आया, सिगरेट पीने का बात किसी कर रहा है, सिगरेट का रोल था, डायलॉग का रोल था कि तेरी चुम्मी का रोल था। ठीक है, तुम पति पत्नी हो, अपने कमरे में जितनी मर्जी चुम्मियां करो, छत पे भी कर लो, मेरे हिसाब से तुम्हारे आस पड़ोस में पॉर्नहब की सब्सक्रिप्शन ही नहीं ली होगी किसी ने, उनको लाइव जो दिख जाता होगा यहाँ पे। ठीक है, करो जो करना, लेकिन लॉजिक के हिसाब से तो पप्पी दे उसको, जिस वीडियो में लॉजिक बन रहा है उसमें दे, बाकी एवं लगा है वो जो लाखों में एक होते हैं ना। भाई कपल बड़ा क्यूट है यार, जो भी कहो, है ना। वो नहीं चाहती भाई, तेरी ही है, जितनी मर्जी दे उसको, कमरे में नहीं, छत पे नहीं। कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो? ये भी ना बता, मैं कैसे स्पेशल, ये मुझे बताना, तो तुम क्या करोगे, रोल क्या है तुम्हारा? ये रोल है। अबे भाई ये आई मेरे पालिका बाजार के जॉनी सिंस। इसीलिए बोलते हैं कि टाइम बहुत जरूरी है। ओ भाई, सिंगलों की बात जलती है, प्लीज मत कर। ये जो तुम इस गाने पे इतना स्ले करते हो ना, ये जितने भी इंस्टाग्राम मेरे कैंडी उंदी सी चांद तक खराब ना दे, अबे सैड सॉन्ग है, इसमें काहे कर रोमांस, इसमें काहे की चुम्मियां, कोती दे बच्चे। इस
इसकी ये वीडियो मेरी सबसे फेवरेट है, पता क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक बड़ा ही शानदार कमेंट था, कर लो यार क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हो, करती तो हो बेचारी। मार मार के चुम्मिया कौन लेता है भाई? चार पाद क्या मार दिए बात चली कब्जी की, चार पाद क्या मार दिए बात चली कब्जी की, और तू इंसान भी बच्ची है कि किसे हबशी थी? कैसे सड़े बैंगन जैसा मुंह लेके मैंनू इतना मैं प्यार करो अब जो इस तरह हो भाई ये कैसा एक्सप्रेशन है? झटके में इतने ऑर्गेज्म वाले एक्सप्रेशन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। नहीं सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। बच्चे तू हाथ कहाँ पे रखा तूने? एक लड़की को रिस्पेक्टफुली कमर से पकड़ना होता है। ओ भाई अदरक वेल्डिंग करवाई हो, वो भी आगे से बड़ा एक्सप्रेशन दे रहा है। और एक तो बाल देखो, बालों से पता लग जाता है ये जो ऐसे बाल होते हैं ना, ये आइडेंटिटी होती है छपड़ियों की, ये जितने भी ब्राउन ब्रूम कराए होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है भैया, प्लीज। हाँ बहुत औसम, ऐसे लड़के होते हैं जो सारी शाम मम्मी पापा को जिद करते हैं, मैंने आपके साथ सोना है, आपके साथ सोना है। सोते सोते कोई नहीं, साले अपनी नींद भी खराब करते और उनकी भी, बाकी समय तो गए ही होएगा। अच्छे भले गाने का ऐस फक कर दिया तुमने, अब मैं हिंदी में गाली दूंगा, तुम लोग बोलोगे कंटेंट वल्गर हो गया इसका, अब मैंने इंग्लिश में दिया तो मैं काफी कूल लग रहा हूँ मैं, है ना? क्या था कमरे में कुछ किया है कि सारी ठरक छत पे छोड़ दी है? मेरे को लगता है तेरे पड़ोसी भी बड़े खुश होते होंगे, वो आपस में लगे होंगे, ओए आजा आज ऊपर चले, आज फ्रेंचो नहीं है, आजा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी भी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और सब्सक्राइब के बटन के साथ किस करो, लिप किस करो, फ्रेंच करो, जो मर्जी करो, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? एक दो दिन में आते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक मिलते हैं। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो कर देखो, नो प्रॉब्लम, तुम कहीं भी किस करो, ठीक है, पब्लिक प्लेस में भी किस करो, पति पत्नी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यार ये हर बात में किसी करना बंद करो, ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब तुम दोनों के होंठ नहीं फटते इतना ज़्यादा एक दूसरे को चाट रहे मतलब वो कुत्ते वाली रही थी, वो नहीं है अपने मालिक को हर समय चाटते रहते तो वही लग रहा है यार। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, कि ये एक जेन्युइन सी फीलिंग है जो अंदर से भाई बार बार देख रहे, वही चीज देख रहे, वही चीज देख रहे। तुम सोचो तुमने 100 रील एक दिन में स्क्रॉल कर दिया, 100 की 100 रीलों में एक ही चीज हो, बस किसियाँ ही करे जा रहे हैं, तो क्या मूड में आएगा, क्या दिमाग में आएगा भाई? कोई दिन में काम और है, खाते पीते हो या नहीं खाते हो, हैं नहीं, एक दूसरे की चुम्मियाँ करके ही पेट भर जाता है। ओ भाई यार सच्ची, और वो दूसरा वाला कपल, वो तो मतलब ये वाला कपल तो काफ़ी स्वीट प्यारा सा और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसेंट कपल था फिर भी, है ना? लेकिन वो दूसरी वाली वो क्या कर रही है भाई? तू उसको खा जब वो वनीला आइसक्रीम है, हैं वो क्या है, मतलब तुझे अचार का डब्बा दिख रहा है कि तू चाटे जा रही उसे, खा रही, ऊपर से वो गाल पे चाट रही उसे, पता नहीं कौन सी क्रीम लगाई होगी उसने, मॉइस्चराइजर लगाया होगा, कुछ भी लगाया होगा, उसे चाट ले, हाँ भैया चाट के साफ कर ले, जैसे बिल्लियाँ नहीं एक वो अपने हाथ को चाट चाट के साफ करती हैं, बिल्कुल वही वाला, सीरियसली। सॉरी यार किसी को भी बुरा लगा हो, मजाक कर रही थी, ठीक है। रोस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा मजेदार था, आए है मेरे पालिका बाजार के जॉनी सिंह।
ओ भाई। अच्छा ये किसको लगता है कि मतलब हिंदी में गाली देने वाले वल्गर होते हैं, इंग्लिश में गाली देने वाले कूल लगते हैं? ये चोचलेबाजी ना, ये डबल स्टैंडर्ड भी यही है हमारे इंडिया में, ठीक है? क्योंकि बाहर तो सारे अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलने में, कहने में, सुनने में कोई दिक्कत होती नहीं है। यहाँ इंडिया में ही है, जैसे इंग्लिश को यहाँ पे बिठा रखा है, हिंदी को यहाँ पे बिठा रखा है, तो वो तो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड वही दिख जाता है। सो यार, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।